कभी लोहार को देखा है? एक मृत पशु की खाल की बनी धोकनी से निकली हवा भट्टी में इतना ताप उत्पन्न कर देती है कि लोहा भी उसमें भस्म हो जाता है। वो उस मृत पशु की आह है, उसकी पीड़ा के कारण निकला अभिशाप है, जो इतना ताप उत्पन्न करता है कि कठोर लोहा भी पिघल जाए, उसका आकार बदल जाए। जब तन पर चोट लगती है तो मुख से आह निकलती है, जब मन पर चोट लगती है तो आंखों से अश्रु निकल आते हैं, परंतु जब स्वाभिमान पर चोट लगती है तो मुख से निकले श्राप से अधिक विध्वंसक होता है आत्मा से निकला अभिशाप। श्राप केवल भौतिक रूप का नाश करता है, परंतु अभिशाप केवल नाश नहीं करता, अपितु सदियों से मिटे अस्तित्व का एक उदाहरण बना देता है। इसीलिए कभी किसी को इतनी पीड़ा मत पहुंचाइए कि आपका अस्तित्व अभिशाप में बदल जाए। रणिपाद दासरी, आदेश करें। यह आपने हमें यहां क्यों बुलाया है? तुम्हारे साथ न्याय करते करते कदाचित मैंने अपने पुत्र के साथ ही अन्याय कर दिया। युधिष्ठिर, विजय की हुई वस्तु पर विजेता का ही अधिकार होता है युधिष्ठिर, चाहे वो युद्ध में हो या फिर जुए में। जो दुर्योधन ने जीता है उस पर उसी का अधिकार है, परंतु मैंने भावना में बहकर उससे वो सब छीनकर तुम्हें दे दिया। तो आप कहना क्या चाहते हैं ताश्री? ये चाहते हैं कि हम इन्हें इंद्रप्रस्थ दे दें। और मैं चाहता हूं कि मैं यही सारे कौरवों को मृत्यु दे दूं। मौन रहो भीम, मैं यहां न्याय का सबको बराबर का अवसर देना चाहता हूं, ताकि कोई ये ना कह डाले कि हस्तिनापुर में किसी के साथ अन्याय हुआ है। अब ये न्याय सभा नहीं रही तांत्री, अन्याय सभा हो चुकी है। ऐसा ना कहो अर्जुन, यदि ये अन्याय सभा होती तो तुम सब दास होते ना। आप ये बताएं मामाश्री कि इसका हल क्या है? हल तो केवल एक ही है युधिष्ठिर, और एक दाम। घबराओ मत पुत्रों, इस बार ना राज्य दांव पर लगेगा और ना ही सम्मान, परंतु इस बार जीतने वाला दूसरे के राज्य पर 13 वर्ष का अधिकारी होगा। और हारने वाले को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाना होगा। और हाँ, यदि इस अज्ञातवास में अज्ञातवासी पकड़ा गया या पहचान लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। बोलो पुत्र, स्वीकार है? न्याय का केवल एक ही मार्ग है जो शेष है, एक ही मार्ग है जो धर्म की ओर जाता है, धर्मराज। कहो, क्या स्वीकार है तुम्हें यह मार्ग? स्वीकार मत करना युधिष्ठिर, अस्वीकार कर दो यह दाव। अब धर्म के नाम पर एक और अधर्म मत कर बैठना। मौन मत रहो युधिष्ठिर, अन्यथा इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। मत खेलना ये दाव। महाराज धृतराष्ट्र,
मेरे पिता तुल्य, पितामह आचार्य द्रोण और काकाश्री सब यहाँ उपस्थित हैं और सबकी उपस्थिति में मुझे ये दाव खेलने को कहा जा रहा है। कदाचित ये दाव अधर्म, मैं इस दाव को ना कह सकता, इस अधर्म को ना कह सकता, परंतु बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। मैं इस धर्म को ना नहीं कह सकता। तुम तो धर्म और अधर्म की परिभाषा ही भूल गए हो, या तुम्हारी स्मृति इतनी दुर्बल है कि तुम भूल गए कि कुछ ही क्षण पहले यहां के अनर्थ होते होते रह गया। तुम दास बनते बनते रह गए। तुम्हारी पत्नी का मान भंग करने का प्रयास किया गया। ये वही सभा है जहां वर्षों पूर्व मेरे भाई की हत्या की गई थी और आज एक स्त्री का मान भंग किया गया। और तुम इस सभा में धर्म की बात कर रहे हो। मैंने पहली बार जीवन में किसी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी। मैंने तुमसे प्रार्थना की थी युधिष्ठिर, मरण है या भूल गए। राजकुमार युधिष्ठिर, आपका अवश्य यही सुझाव होगा। मुझे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं कर्ण महोदय। मैंने दोबारा तुमसे प्रार्थना की। मेरा निवेदन मानिए, इस निमंत्रण को स्वीकार मत कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है ये निमंत्रण आपके सम्मान के लिए नहीं, उस अपमान के प्रतिकार के लिए भेज रहे हैं। परंतु तुमने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, उसे अस्वीकार कर दिया। मैं अंतिम बार तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, ये दाव मत खेलना। यदि तुमने मेरी यह प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी तो इतिहास का तो पता नहीं, परंतु मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए मेरी घृणा और भी बढ़ जाएगी युधिष्ठिर। ऐसी मूर्खता मत करना। मेरे धर्म के मार्ग पर ना ही मुझे किसी की क्षमा की चाह और ना ही किसी के घृणा का भय, और इस समय मुझे लगता है कि ताश श्री को अन्याय से बचाने के लिए ये खेल खेलना ही मेरे लिए धर्म है। क्या मैं ये समझ लूं कि सम्राट एक और दांव खेलने के लिए प्रस्तुत है? अस्वीकार कर दो पुत्र। पासों को छूना भी मत पुत्र। नहीं, नहीं पुत्र। मुझे ये दांव स्वीकार है। प्रत्येक पापी को दंड भुगतना होगा, वो जिसने लालच के लिए छल किया और वो भी जिसने अधर्म को धर्म मानकर उसका पालन किया। प्रत्येक को अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। तू ऐसे नहीं, पलकों पर अश्र लेकर नहीं, तुम्हारा जन्म इतिहास बदलने के लिए हुआ है सखी, इतिहास बनने के लिए नहीं।
इसीलिए प्रतिशोध नहीं, तुम्हें न्याय का मार्ग चुनना होगा, क्योंकि प्रतिशोध अन्याय को जन्म देता है और न्याय एक नई व्यवस्था की स्थापना को। लीजिए सम्राट, आपके लिए खेल प्रस्तुत है। सुंदर युधिष्ठिर, अब मेरी बारी है। पांडवों के वनवास जाने पर उत्सव मनाने की तैयारी शुरू कर दो। पांडवों की हार निश्चित है। परंतु ये केवल मेरी नहीं, स्त्री के सम्मान की हार है सखा। मुझे प्रतिकार चाहिए, नाश चाहिए कौरवों का केशव। केवल दुर्योधन का, केवल कौरवों का, बस यही उद्देश्य है जीवन का? यदि ऐसा है तो चलो अभी चलते। तुम्हारे अश्रु की सौगंध वासुदेव अभी जाकर समस्त कुरकुल का नाश कर देगा, परंतु एक बार सोचो उसके पश्चात क्या होगा। संसार का मार्ग बदलने वाली पांचाली के इस प्रयास को लोग क्या कहेंगे? प्रतिशोध या न्याय की स्थापना? तुम्हें प्रत्येक स्त्री के मान के लिए न्याय व्यवस्था की स्थापना करनी है सखी। केवल दुर्योधन को नहीं, उस सोच को दंड देना है जो स्त्री के मान को पुरुष के दम के पांव के नीचे ले आती है। तनिक सोचो सखी, जिन्होंने सामरागी के साथ ऐसा किया वो एक साधारण नारी की क्या गति करेंगे? तुम्हें एक उदाहरण बनना होगा द्रौपदी, ताकि धर्म के नाम पर अधर्म का स्वांग बार बार रचने वालों के मन में धर्म का भय व्याप्त हो सके। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। पांडव दोबारा हार गए। सम्राट युधिष्ठिर, पांचाली को दासी बनने से तो तुमने बचा लिया, परंतु स्वयं को वनवासी होने से नहीं बचा पाए। वन में जाने को प्रस्तुत हो जाओ महान पांडव पुत्रों। और हाँ, स्मरण रखना, इस पूरे अवधि में ना ही तुम किसी से संधि करोगे और ना ही किसी मित्र राज्य में रहोगे। और हाँ, यदि एक वर्ष के अज्ञातवास में पकड़े गए या पहचान लिए गए तो फिर से दोहराया जाएगा। दुर्योधन, ऐसा प्रतीत होता है कि इनका जीवन वन में ही कटना लिखा है। अब तुम ही बताओ, जन्म वन में लिया, विवाह वन में किया, और अब काल का सामना भी कदाचित वन में ही करोगे। लगता है यही भाग्य का न्याय है। काल का सामना आप करेंगे मामाश्री, क्योंकि इस अन्याय का प्रतिशोध हम लेंगे, न्याय लेंगे हम। तुम्हें न्याय मिलेगा प्रत्येक पापी को, उसके किए अधर्म का दंड मिलेगा, प्रत्येक के कर्मों का फल उस तक
तक लौट कर आएगा सखी। 13 वर्ष पश्चात हम फिर लौटेंगे और इस बार आज्ञा नहीं, हम अपना अधिकार लेंगे। और जो कुछ इस द्यूतभूमि में हुआ है उसका प्रतिकार हम युद्ध भूमि में लेंगे। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि पांचाली के अपमान पर अटास करने वाले इन 100 करोड़ को मैं अपने इन हाथों से यमुना भेज दूंगा। यह मत समझना कि वन में हम विश्राम करेंगे दुर्योधन, हर पल प्रतिशोध की अग्नि में जलेंगे और जब लौटेंगे तो इतने बाण बरसेंगे अंधकार छा जाएगा हस्तिनापुर के, भविष्य पर महायुद्ध होगा। बात किस बात का प्रतिशोध अर्जुन? आज द्रौपदी का सम्मान भंग हुआ तो उसका कारण दुर्योधन के प्रतिशोध से अधिक युधिष्ठिर का लालच था। और अब वनवास भी तुमने स्वयं पाया। मैं ये नहीं कहता इस सभा में जो हुआ वो उचित था, दुर्योधन ने जो किया वो धर्म था, तुमने भी अधर्म किया। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका कारण तुम्हारा मिथ्या धर्म है, तुम्हारा लालच है। तुम्हें लगा कि एक बार और युद्ध खेलकर कौरवों को सदा के लिए वन में भेज दोगे, तुम्हें लगा कि यही अवसर है, खेल लो। परंतु अवसरवादी वीर नहीं होते, वीर वो होते हैं जो हर क्षण को अवसर बना दें। यदि आज तुम ये दूसरा दांव ना खेलकर युद्ध करते तो सौगंध अपने गुरु परशुराम की कि अपने आत्मग्लानी के निराकरण के लिए मैं स्वयं अपना कवच निकालकर तुम्हारे चरणों में रख देता और तुमसे कहता कि मेरा सर सर से अलग कर दो, परंतु तुम सब घायल हो। तुमने युद्ध चुना, युद्ध नहीं, द्रौपदी का मान भंग करने के उत्तरदायी तुम पांचों भाई हो। जब देखो नियम और धर्म का बखान करने वाले, जानते भी हो कि नियम और धर्म क्या है? नियम और धर्म वो होते हैं जो समाज और मनुष्य के कल्याण के लिए होते हैं, और जो नियम और धर्म विनाश ले आए वो अधर्म है। और इस बार ये अधर्म तुम सबने किया है। धर्म और अधर्म का निर्णय इस सभा में नहीं होगा कर्ण, बीतने दो 13 वर्ष, उसके पश्चात होगा यह निर्णय। उन 13 वर्षों के पश्चात कर्ण युद्ध भूमि में तुम्हें सबसे आगे खड़ा मिलेगा। तुम भाई जिसे धर्म युद्ध कहते हो, मैं उसे तुम जैसे धर्म को ना समझने वालों के विरुद्ध महायुद्ध कहता हूं। ये युद्ध प्रतिशोध के लिए नहीं होगा, ये धर्म युद्ध होगा, धर्म और न्याय की स्थापना के लिए होगा, साधुओं के परित्राण के लिए, दुष्कर्मियों के नाश के लिए होगा। जब खेत में खरपतवार इतनी बढ़ जाए कि रोकी ना जा सके तो उसे जलाकर भस्म कर दिया जाता है, ताकि उसकी भस्म की नींव पर नई फसल जन्म ले सके। एक नए संसार के लिए, एक नई व्यवस्था की स्थापना के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए कलंकित वर्तमान के विरुद्ध युद्ध होगा। इस सृष्टि का सबसे बड़ा युद्ध होगा। उनके विरुद्ध
जिनके हाथों में मैं भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं समझता। तुम्हारे धर्म की विद्या सोच और मेरे परिवर्तन की प्रतिज्ञा के मध्य होगा महायुद्ध, होगा महाभारत। ऐसा युद्ध जो ना पहले कभी हुआ है ना इसके पश्चात होगा, होगा महाभारत।